बच्चों लोग, आज की क्लास हम लोग अपना सॉलिड चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। तो सर, लास्ट टॉपिक क्या रहेगा रहेगा अपना? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब ध्यान देना। ध्यान दोगे, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि मैग्नेट का अपना एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। आप लोग क्लास 10 में सीखोगे कि इच मैग्नेट, एवरी मैग्नेट का अपना दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो अगर आप बार मैग्नेट का मैं फिगर बना रहा हूँ, तो बार मैग्नेट में क्या होता है आप लोग पढ़ोगे, इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होता है। ठीक, आपको पता है कि हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में क्या होता है, इन करता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा, साउथ पोल में क्या हो, इन करता है। तो ये होगा बार मैग्नेट का फील्ड लाइन्स में ड्रॉ करते रहा आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान ना, अब तो टेंथ में आपको यही पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी किसी कंडक्टर में यानी किसी वायर में अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं, तो वो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि मान लेते हैं कि आपके पास एक कॉयल है। ठीक है, एक कॉयल है, इस कॉयल में क्या है, इस कॉयल में करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है और मान लेते हैं कि जो ये जो कॉयल है वो प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है, प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट का डायरेक्शन। तो करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड लाइन्स कहाँ होगा, तो वो पता होगा। इसका फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन और वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, इसका फील्ड लाइन्स ऐसे नीचे की तरफ निकलेगा। इसका मतलब होता क्या है कि जो बॉटम का डायरेक्शन है वो होगा नॉर्थ पोल और ऊपर डायरेक्शन ऊपर जो होता है साउथ पोल इसके लिए। ठीक, यानी इस रिंग का यानी जो लूप है, लूप का जो बॉटम नीचे का पार्ट हो नॉर्थ पोल होगा, ऊपर का पार्ट क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। यानी हर मैग्नेट का क्या होता है, दो पोल एग्जिस्ट करता है, यानी ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। ठीक, तो पॉइंट आता है कि सबसे स्मॉल मैग्नेट क्या हो सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच इज स्मॉलेस्ट मैग्नेट, विच इज स्मॉलेस्ट मैग्नेट, ऐसा कोई आंसर बता पाएंगे क्या? सर, छोटा मैग्नेट किसको बोलते हैं लोग, सबसे छोटा मैग्नेट किसको बोलेंगे जी, बताओ फटाफट आंसर लोग। तो सबसे जो छोटा मैग्नेट होता है बच्चे लोग, तो ध्यान देना, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, विच इज स्मॉलेस्ट मैग्नेट अगर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा दे, तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब मोशन कर रहा है। तो जब भी चार्ज मोशन करता है तो क्या होता है, बोलते हैं करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के रिवर्स में क्या होता है, करंट का फ्लो हो रहा है, यानी करंट इसका ऐसा फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर वायर की तरह आपको दिख रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो करंट उसके अपोजिट में मूव करेगा, यानी आपके पास एक सर्कुलर वायर की तरह ये सिस्टम बन गया,
जहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट आपका मूव कर, करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर ये करंट प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं इसके कारण फील्ड होगा। तो चूंकि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। तो मेरा बताने का सिंपल लॉजिक ये था कि सबसे स्मॉलेस्ट मैनेट जो होता है पॉसिबल क्या होता है, अल्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? अल्ट्रॉन्स होता है। और आपको पता है कि जितना भी सॉलिड्स होता है, सॉलिड किससे बना होता है, तो जो भी सॉलिड होगा, सॉलिड बना होगा आपका एटम से या आयन से बना होता है। सॉलिड बनेगा, बना हुआ रहता है या तो एटम से बना हुआ होगा, या तो आयन्स होगा, या तो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। और ध्यान देना, और जो भी एटम आयन मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है ये सब किससे बना होता है, इसमें कहीं नहीं कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होता है। बच्चा लोग, इसका फंडामेंटल पार्टिकल होगा, इन जो भी इससे जो भी आपको दिख रहा है इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। यानी जो भी एटम आयन मॉलिक्यूल का हम बात कर रहे हैं, जो सॉलिड बना रहा है आपका, उसका फंडामेंटली उसके अंदर क्या क्या होता है, तो फंडामेंटल उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। यानी आपको पता है कि आपके सिस्टम में जो भी सॉलिड होगा उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन से मौजूद है, ठीक है। और वो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट होता है, तो आपके सॉलिड में बहुत ज़्यादा, यानी उसका नंबर आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो बहुत सा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोटा छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है दिस बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट, ठीक है। तो सॉलिड के, तो किसी भी सॉलिड के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और वो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो टाइनी मैग्नेट की तरह आपको बिहेव कर रहा है, ठीक। अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि आपका सॉलिड का एक फिगर हम ड्रॉ करें आपके लिए, आपके सॉलिड का मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सॉलिड के फिगर में ध्यान देना, इस सॉलिड के फिगर को मैं कुछ कुछ पार्ट से बांट रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ छोटे से पार्ट से बांट रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। इसलिए मैं टर्म यूज करूँगा डोमेन्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट्स है इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक। अब डोमेन क्या होता है ध्यान देना, ये छोटा सा पार्ट उसको मैं डोमेन बोल रहा हूँ। तो डोमेन बेसिकली छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, जिसमें होता क्या है, अब इस अगर इस डोमेन को हम यहाँ पे इनलार्ज करके दिखा दें तो इस डोमेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन अपना एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका अपना एक फील्ड होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन का फील्ड को सम कर दें तो उसका एक डायरेक्शन होगा, तो इस मैग्नेटिक डोमेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है कौन सा फील्ड, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड को हम सम कर दें तो उसका फील्ड का एक डायरेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका अपने डायरेक्शन होने वाला है। तो मान लेते हैं डायरेक्शन ऐसा कुछ है, हो रहा है, ठीक है। तो हर डोमेन में एक नेट डायरेक्शन होगा। डोमेन क्या है, डोमेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, सारा मैग्नेट का फील्ड को सम अप करने पे एक डायरेक्शन मिलेगा, यानी नेट फील्ड का, यानी उस डोमेन में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन मैं हर जगह में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा, ऐसा वो मतलब हर डोमेन में एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जनरली सॉलिड का जो डोमेन होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, मतलब उसमें कोई हर डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी जो डोमेन का जो अलाइनमेंट है, यानी हर डोमेन में जो उसका जो अलाइनमेंट होगा, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा हर डोमेन में, वो रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ गया, कैसा होता है? तो ये आपका सॉलिड ऐसा होता है, आपका सॉलिड ऐसा होता है। अब ध्यान देना, तो ये क्या है, एक सॉलिड का स्मॉल स्केल पे जो एरिया बांटा हुआ, उस एरिया को हम डोमेन बोल रहे हैं, और डोमेन के अंदर जो नेट फील्ड का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, जिसका एक रैंडम अलाइनमेंट है, ठीक है।
अब ध्यान देना, तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल चीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड कैसे करते हम लोग, ध्यान देना। तो जब भी बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का, तो ध्यान देना सॉलिड को पांच पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है था पारामैग्नेटिक, ठीक। सेकंड होता है डायमैग्नेटिक। थर्ड क्या है? फेरोमैग्नेटिक, ठीक। उसके अंदर क्या है? एक है एंटोफेरोमैग्नेटिज्म और एक होता है फेरीमैग्नेटिज्म। तो ध्यान देना इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो बोला गया है जो आप सबसे पहले हम सीखेंगे पारामैग्नेटिक, हम किसको बोलेंगे पारामैग्नेटिक, किसको बोलते हैं। जो पारामैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव परमानेंट डायपोल। इन उसमें कहीं नहीं कहीं नेट फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर उसके पास डायपोल होगा यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या होता है वो वीकली, यहाँ पे लिखा हो ना, एंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी पारामैग्नेटिक जो कंपाउंड्स होता है क्या है, इज वीकली मतलब बहुत बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, स्ट्रांगली नहीं, वीकली मैं बात कर रहा हूँ। तो पारामैग्नेटिक कंपाउंड इज weakly attracted in external magnetic field, यानी बाहर के जो magnetic field में क्या होगा, weakly attract होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या बोला हुआ है कि उनके पास unpaired electron होता है। तो they contain unpaired electron, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, तो कॉपर प्लस टू, आयरन प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री, ओ टू, इन सब में कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब इनका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जैसे कॉपर प्लस टू में डी नाइन है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आयरन प्लस थ्री में D5 है, D5 केस में कितना अनपेड होगा, 5 अनपेड होता है। Cr प्लस थ्री में देखोगे इसमें D3 केस होता है, तो D3 केस होता है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। वही आप O2 जो मॉलिक्यूल है, O2 का अगर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर यूज करोगे तो O2 में आपको दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। कॉपर डी नाइन है तो उसमें क्या, एक अनपेड दिखेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि जहाँ कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल भी आप जब स्कूल या बोर्ड एग्जाम लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल भी देना होता है। तो आपको अगर पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल लिखना हो तो इन सबको लिख सकते हो, या फिर और सिंपल से एग्जाम्पल को समझा दे रहा हूँ, सोडियम भी पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। सोडियम में क्या होता है, 3s1, लास्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3s1, यानी एस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है इसके पास, ठीक है। तो सोडियम लिख दो, जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल होगा उसे आप याद कर लेना है। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या होगा, 3 सोडियम एग्जांपल दे ज्यादा रखोगे, ठीक है। वही होता है अगला क्लासिफिकेशन क्या है सॉलिड्स का, तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड जो होता है वो वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, वीकली रिपेल करता है फील्ड में, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो बोला गया है कि दीज सॉलिड्स हैव द ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो सारा क्या पेयर्ड होगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है, वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक। एग्जांपल बहुत सिंपल है, NaCl सॉल्ट, NaCl याद रखो या फिर सोडियम प्लस याद रखो तो भी चलेगा, सोडियम प्लस याद रखोगे तो भी चलेगा। सोडियम प्लस भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। वाटर, बेंजीन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, तो आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद रखना, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन लिखने के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में आपको एग्जांपल दे देगा, पूछेगा इसको कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। तो आपको एग्जांपल से याद होना चाहिए, तो कम से कम स्कूल में लिखने के लिए एग्जांपल याद रखना, और कंपटीशन में आएगा तो आप दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली बात कर लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर बात करेंगे तो ध्यान देना, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, अब ध्यान दोगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बाद हमारा सारा जो फोकस होगा
वो आ जाएगा मैनेटी डोमेन्स में, ठीक है, यानी जो डोमेन का हम बात किए थे यहाँ पे उस पर फोकस आ जाएगा। तो अगर अगर आपके पास कोई फील्ड नहीं है ना, कोई फील्ड नहीं है यानी बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो क्या होता है आपका जो डोमेन्स होता है और रैंडमली यानी बिना किसी डायरेक्शन के यानी कहीं भी अपने हिसाब से अरेंज कर रहता है, ठीक। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, सारा डोमेन क्या होता है रैंडमली क्या होता है अपना ओरिएंटेशन मेंटेन रखता है, ठीक। अब ध्यान दोगे, जैसे आप बाहर से फील्ड को अप्लाई करोगे, तो होता क्या है इनका डोमेन का डायरेक्शन फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज होता है। तो ध्यान देना, जो फेरोमैटिक कंपाउंड्स होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एंड सो परमानेंट मैग्नेटिज्म यानी इसके मतलब मान लेते हैं जो भी आपका फेरोमैटिक सब्सटेंस होगा वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से, एंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दोगे तो उसमें क्या होता है मैग्नेटिज्म बिल्ड हो जाएगा यानी खुद वो मैग्नेट बन जाए, खुद एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसका जो डोमेन्स होता है डोमेन्स का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है यानी जो भी उसका फील्ड का डायरेक्शन था वो सारा का सारा सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, यानी सारा डोमेन्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो जो भी मैग्नेटिक डोमेन्स को मैं बात कर रहा था तो जो रैंडमली डिसओरिएंटेड था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा क्या कि सारा का सारा डोमेन्स एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है तो आयरन कोबाल्ट निकल एंड CrO2 कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डाल सकते हो, ठीक। अगला पॉइंट है ये हुआ ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक। नेक्स्ट आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है ना इसमें होता क्या है कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है जीरो हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें डोमेन जो होता है ना एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में होता क्या है कि आपका जो सॉलिड्स का मान लेते हैं डोमेन एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो नीचे, ऐसा हो जाएगा यानी इसका नेट जो डोमेन का डायरेक्शन हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इसका जो अलाइनमेंट है ऐसा हो जाता है कि नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होगा एग्जांपल हो जाएगा MnO, तो MnO का MnO एग्जांपल हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सॉलिड का, ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें होता क्या है फेरोमैग्नेटिज्म में आपका जो डोमेन है डोमेन अनइवन होता है, मान लेते हैं कि तीन ऊपर है तो चार नीचे होगा, मतलब नेट कैंसिलेशन नहीं होगा बट उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी नहीं होता है क्योंकि सारे डायरेक्शन सेम तो है नहीं, तो नेट कैंसिलेशन होगा तो तीन ऊपर है तो चार नीचे होगा, तो ऐसा ये अनइक्वल रहता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है इसमें ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा बट उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं होता जितना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा आपका फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्गली नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे डायरेक्शन अलग सेम नहीं है, मतलब बहुत इसमें एक डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि पाँच ऊपर है तो चार नीचे होगा या तीन नीचे होगा, ऐसा रहेगा यानी कुछ ना कुछ कैंसिलेशन है और लास्ट में कुछ अमाउंट बचा हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा यानी हुआ क्या इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल जो होता है उसमें अनइक्वल नंबर होने वाला है, डोमेन्स का जो अलाइनमेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल करेगा और स्मॉल अमाउंट रहेगा जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा तो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है Fe3O4, Mg, Fe2O4 एंड Zn Fe2O4, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप फेरोमैग्नेटिज्म में डाल सकते हो। अब ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है कि फेरोमैग्नेटिज्म जो कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक होता है उसको आप हीट करोगे तो अपना फेरोमैग्नेटिज्म को लूज करता है और कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक में, तो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स को अगर आप हीट करोगे तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में वो चेंज होता है खुद को, ठीक है, ये ध्यान देना। ये रहेगा ऑल अबाउट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन, ठीक है, तो बेसिक बात है, सारे का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, ठीक। इससे क्वेश्चन आना कन्फर्म रहता है आपके स्कूल में भी, और ये जो आपका डायराम ड्रॉ किया हो ना एरो का, ये सब कॉम्पिटिशन पूछता है, ये सब जो डायराम है डायराम देख के बस पूछेगा कि कौन सा सॉलिड किस
का पार्ट है, ठीक है। तो सारे का डायरेक्शन सेम रहेगा मतलब फेरोमैटिक, अगर डायरेक्शन अगर अनइक्वल है तो हो जाएगा फेरीमैटिक, और अगर इक्वल, ये डायरेक्शन अगर इक्वल नंबर में ऊपर और नीचे है यानी कैंसिल कर रहा है तो क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैटिक, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी याद रखना, MNO है, ये सब एग्जाम्पल है। कभी कभी क्या होगा ना, आपको एग्जाम्पल लिख देगा और बोला ये किस डायग्राम को सपोर्ट करेगा, यानी आपको एग्जाम्पल दे देगा और फिर एरो ड्रॉ कर देगा, बोलेगा MNO किस एरो के सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि MNO क्या है, एंटी फेरोमैटिक है, तो MNO इसको सपोर्ट करेगा, ठीक। ये सारा इस ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। बोर्ड में बहुत सिंपल रहेगा, बोर्ड में क्या होगा, बोला है कमेंट ऑन फेरोमैटिक सब्सटेंसेस, तो आपको कमेंट करना है यानी जो जो पॉइंट्स लिखा उसको लिख देना है और एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखना मस्ट है बोर्ड में, क्योंकि एग्जाम्पल में आपका हाफ मार्क्स रहता है, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, एग्जाम्पल अगर नहीं बोला रहेगा आपके एग्जाम पेपर में तब भी आपको एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए नंबर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल को मिस नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो अपना मैटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स खत्म होता है इसके साथ, ठीक है। चलो।